नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा देश को बेचना चाहती है, उनके डबल इंजन जल्द ही गायब हो जाएंगे। वे राज्य के पंचायत चुनावों में अपना पहला इंजन और 2024 के लोकसभा चुनावों में दूसरा इंजन खो देंगे। हम भाजपा के खिलाफ महाजोता करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही किया जाएगा। ममता के बीएसएफ पर भगवा दल के इशारे पर राज्य के सीमावर्ती इलाकों में वोटर्स को डराने का आरोप लगाया, साथ ही पुलिस प्रशासन से बीएसएफ की एक्टिविटीज़ पर कड़ी नज़र रखने को कहा। कुछ बिहार में पंचायत चुनाव के लिए प्रचार के दौरान एक रैली में ममता ने कहा, मुझे जानकारी है कि पंचायत चुनाव के मद्देनज़र बीएसएफ के कुछ अधिकारी सीमावर्ती इलाकों में जाकर वोटर्स को धमका रहे हैं, उनको वोट नहीं देने को कह रहे हैं। मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि वे डरे नहीं और चुनाव में वोट डालें। पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद बंगाल लौटी ममता बनर्जी ने कांग्रेस और माकपा और बीजेपी को महागोट बताया है। सीएम ने कहा कि बीजेपी के बहकावे में ना आए, बीजेपी झूठे की पार्टी है, उस पार्टी को वोट ना दे जो लोगों के लिए परेशानी खड़ी करे, वहीं कांग्रेस और माकपा को भी बाय बाय करे। ममता ने कांग्रेस को बंगाल में बीजेपी की दूसरी टीम बताया। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ महाजोता बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ महागोट बनाया जा रहा है, इन तीनों दलों ने हाथ मिलाया है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।